सुपरस्टार अक्षय कुमार की 15 फिल्मों ने 100 करोड़ का आंकड़ा पार किया है और 100 करोड़ का आंकड़ा पार करने वाली लिस्ट में अक्षय कुमार सलमान खान के बाद दूसरे नंबर पर आते हैं। आज की वीडियो में हम अक्षय कुमार की इन 15 फिल्मों के बारे में विस्तार से बात करेंगे। भारतीय बॉक्स ऑफिस पर 100 करोड़ का आंकड़ा पार करने वाली अक्षय कुमार की सबसे पहली मूवी का नाम था हाउसफुल 2, जो कि 5 अप्रैल 2012 को रिलीज हुई थी। इस मूवी के डायरेक्टर साजिद खान थे। मूवी में अक्षय कुमार, रितेश देशमुख, जॉन इब्राहिम, ऋषि कपूर, रणधीर कपूर और मिथुन चक्रवर्ती लीड रोल में थे। इस मूवी का बजट 72 करोड़ था, जिसने भारत में कमाई की थी 112 करोड़ की, वर्ल्ड वाइड कमाई की थी 188 करोड़ की और यह मूवी सुपरहिट रही थी। 1 जून 2012 को अक्षय कुमार की अगली मूवी आई थी राउडी राठौर। इस मूवी के डायरेक्टर प्रभु देवा थे। मूवी में अक्षय कुमार, सोनाक्षी सिन्हा लीड रोल में थे। मूवी का बजट 45 करोड़ था, भारत में कमाई की थी 133 करोड़ की, वर्ल्ड वाइड कमाई की थी 198 करोड़ की और यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर रही थी। इसके बाद 6 जून 2014 को अक्षय कुमार की मूवी आई थी हॉलीडे, ए सोल्जर इज नेवर ऑफ ड्यूटी। इस मूवी के डायरेक्टर ए आर मृदादोष थे। मूवी में अक्षय कुमार और सोनाक्षी सिन्हा लीड रोल में थे। इस मूवी का बजट 50 करोड़ था, भारत में कमाई की थी 112 करोड़ 53 लाख की, वर्ल्ड वाइड कमाई की थी 178 करोड़ 40 लाख की और यह मूवी सुपरहिट रही थी। भारतीय बॉक्स ऑफिस पर 100 करोड़ का आंकड़ा पार करने वाली अक्षय कुमार की चौथी मूवी का नाम था एयरलिफ्ट, जो कि 22 जनवरी 2016 को रिलीज हुई थी। इस मूवी के डायरेक्टर राजा कृष्णा मेनन थे। मूवी में अक्षय कुमार और निमरत कौर लीड रोल में थे। मूवी को 30 करोड़ के बजट में बनाया गया था। भारत में कमाई की थी 128 करोड़ की, वर्ल्ड वाइड कमाई की थी 228 करोड़ की और मूवी सुपरहिट रही थी। इसके बाद अक्षय कुमार की पांचवी मूवी थी 100 करोड़ का आंकड़ा पार करने वाली रुस्तम, जो कि 12 अगस्त 2016 को रिलीज हुई थी। इस मूवी के डायरेक्टर विपुल के रावल थे। मूवी में अक्षय कुमार, इलियाना डिक्रूज लीड रोल में थे। इस मूवी को 50 करोड़ के बजट में बनाया गया था। भारत में इसने कमाई की थी 127 करोड़ की, वर्ल्ड वाइड कमाई की थी 216 करोड़ की और मूवी सुपरहिट रही थी। अक्षय कुमार की 100 करोड़ का आंकड़ा पार करने वाली छठी मूवी का नाम था हाउसफुल 3, जो कि 3 जून 2016 को रिलीज हुई थी। इस मूवी के डायरेक्टर साजिद फरहाद थे। मूवी में अक्षय कुमार, अभिषेक बच्चन, रितेश देशमुख और जैकी श्रॉफ लीड रोल में थे। इस मूवी का बजट 85 करोड़ था, जिसने भारत में कमाई की थी 110 करोड़ की, वर्ल्ड वाइड कमाई की थी 185 करोड़ की और यह मूवी हिट रही थी। 100 करोड़ का आंकड़ा पार करने वाली अक्षय कुमार की अगली मूवी का नाम था जॉली एलएलबी 2, जो कि 10 फरवरी 2017 को रिलीज हुई थी। इस मूवी के डायरेक्टर सुभाष कपूर थे। मूवी में अक्षय कुमार, हुमा कुरैशी लीड रोल में थी। इस मूवी का बजट 30 करोड़ था, जिसने भारत में कमाई की थी 117 करोड़ की, वर्ल्ड वाइड कमाई की थी 197 करोड़ की और यह मूवी सुपरहिट रही थी। 100 करोड़ का आंकड़ा पार करने वाली अक्षय कुमार की अगली मूवी का नाम था ट्वाइलाइट, एक प्रेम कथा, जो कि 11 अगस्त 2017 को रिलीज हुई थी। इस मूवी के डायरेक्टर श्री नारायण सिंह थे। मूवी में अक्षय कुमार और भूमि पेडनेकर लीड रोल में थी। इस मूवी का बजट 75 करोड़ था, जिसने भारत में कमाई की थी 134 करोड़ 42 लाख की, वर्ल्ड वाइड कमाई की थी 316 करोड़ 97 लाख की और यह मूवी सुपरहिट रही थी। इसके बाद अक्षय कुमार की 100 करोड़ का आंकड़ा पार करने वाली अगली मूवी का नाम था गोल्ड, जो कि 15 अगस्त 2018 को रिलीज हुई थी। इस मूवी के डायरेक्टर रीमा कागती थे। मूवी में अक्षय कुमार और मौनी रॉय लीड रोल में थे। इस मूवी को 75 करोड़ के बजट में बनाया गया था, जिसने भारत में कमाई की थी 109 करोड़ की, वर्ल्ड वाइड कमाई की थी 158 करोड़ की और यह मूवी हिट रही थी। इसके बाद अक्षय कुमार की मूवी आई थी रोबोट 2.0, जो कि 29 नवंबर 2018 को रिलीज हुई थी। इस मूवी के डायरेक्टर एस शंकर थे। मूवी में अक्षय कुमार, रजनीकांत और एमी जैक्सन लीड रोल में थे। इस मूवी का बजट 550 करोड़ बताया जा रहा है, जिसने भारत में 190 करोड़ की कमाई की थी और इसके तमिल और हिंदी फॉर्मेट को मिलाकर इसकी वर्ल्ड वाइड कमाई 655 करोड़ बताई जा रही है। 100 करोड़ का आंकड़ा पार करने वाली अक्षय कुमार की अगली मूवी का नाम था केसरी, जो कि 21 मार्च 2017 को रिलीज हुई थी। इस मूवी के डायरेक्टर अनुराग सिंह थे। मूवी में अक्षय कुमार और परिणीति चोपड़ा लीड रोल में थे। इस मूवी का बजट 100 करोड़ था, भारत में कमाई की थी 155 करोड़ 70 लाख की, वर्ल्ड वाइड कमाई की थी 208 करोड़ 80 लाख की और मूवी हिट रही थी। 100 करोड़ का आंकड़ा पार करने वाली अक्षय की अगली मूवी थी सूर्यवंशी, जो कि 5 नवंबर 2021 को रिलीज हुई थी। मूवी के डायरेक्टर रोहित शेट्टी थे। मूवी में अक्षय कुमार, कैटरीना कैफ लीड रोल में थे। मूवी का बजट 160 करोड़ था, भारत में कमाई की थी 195 करोड़ की, वर्ल्ड वाइड कमाई की थी 293 करोड़ की और मूवी सुपरहिट रही थी। बात करते हैं अक्षय कुमार की 200 करोड़ का आंकड़ा पार करने वाली सभी फिल्मों के बारे में।
भारतीय बॉक्स ऑफिस पर 200 करोड़ का आंकड़ा पार करने वाली अक्षय कुमार की सबसे पहली मूवी का नाम था मिशन मंगल, जो कि 15 अगस्त 2019 को रिलीज हुई थी। इस मूवी के डायरेक्टर जगन शक्ति थे। मूवी में अक्षय कुमार, सोनाक्षी सिन्हा और विद्या बालन लीड रोल में थी। इस मूवी का बजट 40 करोड़ था। भारत में कमाई की थी 203 करोड़ की, वर्ल्ड वाइड कमाई की थी 290 करोड़ की और मूवी ब्लॉकबस्टर रही थी। भारतीय बॉक्स ऑफिस पर 200 करोड़ का आंकड़ा पार करने वाली अक्षय कुमार की अगली मूवी का नाम था हाउसफुल 4, जो कि 25 अक्टूबर 2019 को रिलीज हुई थी। इस मूवी के डायरेक्टर फराज शामजी थे। मूवी में अक्षय कुमार, रितेश देशमुख, बॉबी देओल लीड रोल में थे। इस मूवी का बजट 75 करोड़ था। भारत में कमाई की थी 210 करोड़ की, वर्ल्ड वाइड कमाई की थी 296 करोड़ की और मूवी सुपरहिट रही थी। 200 करोड़ का आंकड़ा पार करने वाली अक्षय कुमार की तीसरी मूवी का नाम था गुड न्यूज, जो कि 27 दिसंबर 2019 को रिलीज हुई थी। इस मूवी के डायरेक्टर राज मेहता थे। मूवी में अक्षय कुमार, करीना कपूर, दिलजीत दोसांझ, कियारा आडवाणी लीड रोल में थी। इस मूवी का बजट 60 करोड़ था, जिसने भारत में 205 करोड़ की कमाई की थी, वर्ल्ड वाइड कमाई की थी 316 करोड़ की और यह मूवी ब्लॉकबस्टर रही थी। ये वीडियो बड़ी ही रिसर्च और मेहनत के बाद बनाया गया है। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।